हे गाइस, दिस इज राज एंड यू आर वॉचिंग पेटशाला। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि मैं वेकेशन पे जा रहा हूँ और मेरे टर्टल को कौन फीड करेगा, तो इस केस में मैं क्या करूँ। तो ये सवाल सभी के दिमाग में आता है, सभी ये प्रॉब्लम फेस करते हैं, सभी को लगता है कि अभी मैं क्या करूँ क्या नहीं। तो आपका भाई बेटा है, आपको सोल्यूशंस देगा। मैं इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस देने वाला हूँ कि आप क्या क्या आपके टर्टल के साथ कर सकते हैं, कैसे फीड कर सकते हैं। तो बने रहे एंड तक। इस वीडियो में मैं बहुत ही अलग अलग टाइप्स के आपको पॉइंट्स दूंगा, पॉइंट्स बताऊंगा, चीज़ें बताऊंगा, जिससे कि आप आपके टर्टल को वेकेशन पे जाने के टाइम बहुत ही अच्छी तरीके से रख सकते हो और आप आपका वेकेशन एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। तो मेन टॉपिक के और बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ जो कि वैकेशन के रिलेटेड ही है और आपके टर्टल के। तो आपको जो लाइटिंग होती है, जो बास्किंग एरिया की लाइटिंग है या फिर उसका फिल्टर है, ऑक्सीजन है, वो आपको ऑटो मोड पे डाल देना है। ऑटो मोड क्या है? आपको एक डिवाइस मिलेगा, ये रहा वो डिवाइस, जो कि आप आपके टर्टल टैंक में लगा सकते हो और उसके अंदर टाइमर लगा सकते हो, जिससे कि वो जिस टाइम पर आप ऑन करना चाहते हो उस टाइम पर ऑन रहेगा और जब बंद करना चाहते हो तो वो बंद हो जाएगा। तो ये डिवाइस आप लगा सकते हो जिससे कि आपका डे टू डे लाइफ इजी होगी और वेकेशन में भी आप अगर जा रहे हो और तभी भी लगाते हो तो ये बहुत इजीली टाइम टू टाइम ऑन ऑफ चीज़ें करता रहेगा। तो आपका टर्टल बिना खाए कितने दिन रह सकता है? जो एडल्ट टर्टल्स होते हैं वो बिना खाए वीक तक वो रह सकते हैं, उससे ज़्यादा भी रह सकते हैं। लेकिन बेबी टर्टल जो होते हैं वो दो तीन दिन विदाउट खाए रह सकते हैं, क्योंकि बेबी टर्टल्स को लगातार खाना देना चाहिए और दिन में दो बार उनको खाना लगता है। तो बेबी टर्टल्स को ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक आप स्ट्रेच कर सकते हो, उससे ज़्यादा मैं रिकमेंड करूँगा कि नहीं करोगे तो ही अच्छा है। तो जब भी आप बड़े वेकेशन के लिए जाओगे तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो वाटर चेंज है वो बड़ा वाटर चेंज आपको करके जाना है, क्योंकि जो भी फीड करने वाला है या फिर जो भी आप आइडिया करके जाओगे तो उसमें आपके टर्टल टैंक का वाटर ज़्यादा गंदा नहीं होना चाहिए। इसके लिए आप अच्छा वाटर चेंज करें, ज़्यादा वाटर चेंज करें, जिससे कि आपके टर्टल का जो एनक्लोजर का पानी है वो क्लीन रहेगा। तो अभी चलिए हमारे मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला है कि आपके टर्टल एक्वेरियम में ऑटो फीडर जो होता है, जो ऑटो फीडर वो आप ऐड कर सकते हैं, जो कि टाइम पे सेट होगा। जितने टाइम आपको आपके टर्टल को फीड करना है वो ऑटोमेटिकली आपके टर्टल को फीड करेगा। उसमें क्वांटिटी भी सेट करने आती है और टाइम भी सेट करने आता है। तो आप वो आपके टर्टल एनक्लोजर में लगा सकते हो और आप बिंदास आपके वेकेशंस एंजॉय कर सकते हो। नेक्स्ट जो आइडिया है वो है कि आप किसी को, आपके किसी फ्रेंड को या किसी रिलेटिव को, अगर आप अकेले जा रहे हो घर में से, तो आप आपके घर वालों को बता सकते हो कि ये फूड इतने इतने क्वांटिटी में आपको मेरे टर्टल को डालना है, तो वो आपके घर वाले डाल देंगे। या फिर आप आपके घर वालों के साथ वेकेशन पे जा रहे हो तो आप किसी नेबर को या आपके फ्रेंड को बता सकते हो कि मेरे टर्टल को आप इतना फीड करें। तो उसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप छोटे छोटे पाउचेस बना के जितनी आप सुबह शाम उसको फीड कर रहे हो उतनी क्वांटिटी में आप उतने दिन के लिए, अगर दो दिन के लिए जा रहे हो तो सुबह शाम के हिसाब से 4 पाउच आपको बना के रखने हैं। ऐसे 2 दिन अगर 2 टाइम आप फीड कर रहे हो तो उस हिसाब से पर डे के 2 काउंट्स आपको पाउचेस भर के रखने हैं। या फिर आपको ये नहीं करना होगा तो आपको उसको बता के रखना है कि मेरे टर्टल को 10 स्टिक्स डालने हैं, 10 स्टिक्स सुबह, 10 स्टिक्स शाम को, तो वो समझ जाएगा। या उसको टेक्स्ट करके रखे या वहाँ पर उसके फूड के ऊपर लिख के रखे, तो आपका जो दोस्त है या फैमिली रिलेटिव है या नेबर है वो उसको प्रॉपरली फीड करता रहेगा। लेकिन जब भी आप पाउच में पैक करोगे तो मेक श्योर आप जिप लॉक में या किसी डब्बे में पैक करके रखें, जो फूड की जो अलग अलग टाइम के जो पैकेट्स होने वाले हैं वो कागज़ में ना पैक करें, क्योंकि कागज़ में उसका जो ऑयल होता है वो पूरा स्प्रेड होगा और आपका जो टर्टल फूड है वो ख़राब होगा। तो उससे अच्छा आप प्लास्टिक बैग में अच्छे से पैक करके रखें, जिससे कि वो अच्छा और एयरटाइट बना रहेगा, उसमें फंगस या ऐसी कुछ चीज़ नहीं लगेगी। नेक्स्ट तरीका है कि आप आपके टर्टल को किसी फ्रेंड को दे सकते हो,
किसी टब में उसे दे सकते हो, या फिर आपका जो छोटा टैंक होगा तो आप दे सकते हो। सबसे इजी है बेबी टर्टल को देना, क्योंकि छोटा सेटअप होगा। छोटा सेटअप मतलब मैं हर टाइम यही बताता हूँ कि बड़ा सेटअप ही करें, लेकिन उसका जो वाटर वॉल्यूम होता है वो थोड़ा कम रखते हैं। तो आप आपके टर्टल को ईजीली दे सकते हो आपके किसी भी फ्रेंड को, किसी भी रिलेटिव को, ताकि वो उसको अच्छे से डेली फीड कर सके, उसका वाटर चेंजेस कर सके, जिससे कि आपको टेंशन नहीं रहेगा कि मेरा टर्टल कैसा होगा, वो अभी खा रहा है या नहीं खा रहा है। आप अपडेट्स ले सकते हो। तो ये एक तरीका है आप आपके टर्टल को वेकेशन पे जाने के टाइम फीड कर सकते हो। अगर आपके पास ये कोई तरीका नहीं है, आप किसी नए शहर में रह रहे हो या आपके आसपास के कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, कोई फ्रेंड नहीं है जो आपके टर्टल को रखेगा, किसी फ्रेंड को अलाउ नहीं कर रहे, उसके घर वाले या आपके नेबर को अलाउ नहीं कर रहे उनके घर वाले, तो आप एक कर सकते हो कि आपके जो टर्टल टैंक है उसमें आप लाइव फीड डाल सकते हो। अगर आपका बड़ा टर्टल होगा तो आप उसमें गप्पी फिशेज डाल सकते हो, जिनके फिन्स बड़े होते हैं तो वो स्विम करने में थोड़े स्लो होते हैं, तो आपके टर्टल्स भूख लगने के बाद उनको चेस करके इजीली खा सकते हैं, और आपके पानी का जो पैरामीटर है वो भी ख़राब नहीं होगा, वो लाइव है तो वो जब चाहे उसके ऊपर फीड कर सकता है। एक तो गप्पी फिशेस आप उन्हें फीड कर सकते हो, या फिर लाइव श्रिम्प्स जो होते हैं वो आप आपके टैंक में डाल सकते हो, या फिर जो स्नेल्स होते हैं वो आप आपके टैंक में डाल सकते हो, ताकि आपका जो टर्टल है वो उसे खा सके। अगर आपका बेबी टर्टल होगा तो आप लाइव ब्लड वर्म्स जो होते हैं वो आप आपके टैंक में डाल सकते हैं, जिससे कि वो उसके ऊपर जब भूख लगेगी तो वो उसे खा पाएगा, और जो लाइव वर्म्स अगर उसके अंदर रहेंगे तो वो जल्दी जल्दी नहीं मरेंगे। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं। नेक्स्ट तरीका ये है कि आप आपके टर्टल टैंक में ऊपर की ओर जो फ्लोट होने वाले प्लांट्स हैं, जैसे कि डकवीड हुआ या फिर जो वाटर कैबेजेस होते हैं जो कि टर्टल्स खाने में पसंद करते हैं, वो आप डाल के रखें तो टर्टल्स आपके उसे खा लेंगे, या फिर जो प्लांट्स होते हैं वो जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी आप आपके एक्वेरियम में डाल सकते हो, ताकि जो टर्टल्स है वो धीरे धीरे करके निप करके उसे खाएंगे जब भी उन्हें भूख लगेगी। तो ये भी एक अच्छा तरीका है, आप उन्हें फीड कर सकते हो। या फिर आप एक छोटा गाजर जो कैरेट होता है वो आप आपके टैंक में वैसे ही डालना है, ना ही बॉईल करना है ना ही कुछ उसको करना है, आप वैसे का वैसा पूरा जो कैरेट होता है वो अगर उसके टैंक में डालोगे तो वो इजीली उसके ऊपर निप करता रहेगा, उसके टुकड़े निकाल निकाल के वो खाएगा और उसमें बिजी भी रहेगा, और जो कैरेट होता है वो पानी में जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, टैंक में अच्छा बना रहेगा क्योंकि वाटर वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो वो सड़ने नहीं लगेगा जल्दी, पानी भी जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो 4 दिन 5 दिन 6 दिन के लिए तो आप उसे ईजीली रख सकते हो और आपका टर्टल उसे खाता रहेगा, तो वो भी जो कैरेट है वो भी ख़त्म होगा। और अगर आप छोटा भी पीस डालते हो उसके अंदर तो आपका टर्टल इसे उसे ईजीली ख़त्म कर सकता है और उसका जो पेट है वो अच्छे से भरा रहेगा। तो ये एक तरीका है आपके टर्टल को, आप जब वेकेशन पे जा रहे हो तो आप बिना कोई प्रॉब्लम के आप रख सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन हिट लाइक बटन, सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब टू माई चैनल, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट्स ना मिस करें जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तब तक यू स्टे हेल्दी एंड कीप योर पेट्स हेल्दी। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.